कहते हैं धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी मात पिता है, कौन है? माता और पिता। जन्म के साथी मात पिता, तेरे कर्म का साथी कोई नहीं। आइए बड़ा प्यारा भजन देखो, इधर से तो बस बातों में लगे रहते हैं, बातों को बंद कर दो, प्रेम से बोलो जय माता दी। कह दो दुर्गे मैया की जय। भक्त कहने दरबार में क्या, धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता, तेरे कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म का साथी कोई
एक सती नारी ने देखो यम के होश उड़ाए और सत्य के बल पर अपने पति के प्राण बचाए। और दो लाइन उस माँ के लिए जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। एक बार मिलकर जयकार लगाइए, बोलो जन्म देने वाली माता की अपने अपने घर परिवार की जय। बड़ी प्यारी सी बात ध्यान से सुनिएगा। आसमान की बुलंदियों पर, आसमान की बुलंदियों पर उनकी किस्मत होती है, आसमान की बुलंदियों पर उनकी किस्मत होती है, किनकी जिनको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत। कौन कौन करते हैं उठाइए अपनी अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए, बिल्कुल सीधे हाथ जो बैठे हैं इधर से और मेरी मेरी ताली के साथ यही कहना क्या। आसमान की बुलंदियों पर, आसमान की बुलंदियों पर उनकी किस्मत होती है। चार घर के बर्तन माँज कर चार बेटों को पाल लेती है माँ, लेकिन चार बेटों पे एक माँ पाली, लेकिन माँ की कीमत उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। कहते हैं कि जिस्म तो होता है लेकिन जान नहीं होती, जिस्म तो होता है लेकिन जान नहीं होती, और माँ की कीमत उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। दोनों हाथ खोलिए ऊंचे ऊंचे हड़ताली के साथ, जिनको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है। बड़ी प्यारी सी बात, अगर हम इस माँ का नाम लेंगे, माँ को
ऊपर ऊपर और जिनके हाथ नीचे समझना वो बैठे पांडाल के पीछे। दोनों हाथ उठा लो और ताली के साथ यही कहना है क्या ये माँ क्या करेगी हमें हरी